हमारा फाइनली ऑर्डर आ चुका है और यहाँ पे है सुरमई और ये है और हम अभी खाएंगे साथ में। What's up guys, welcome to my new vlog। आज व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोग डेट पे आए हैं और अभी बज रहे रात के 9:30। तो हम लोग आए हैं आज नॉनवेज खाने के लिए और हम लोग आए हैं अभी मॉडर्न लंच हो जो साइन पर है, हमने अभी ऑर्डर किया है। जस्ट फ्री हो गए थे तो सुबह से बहुत हेक्टिक था, आज इसका भी हेक्टिक था, भी ऑफिस से लेट आई और मैं भी लेट हो गया। तो हम लोग ने अभी ना ऑर्डर दिया है, हम लोग ने हाफ चिकन तंदूरी और सुरमे थाली लिया है तो अभी पक रहा है, वेट कर रहा है किचन में, क्या बोल रहे हैं उसका, हो रहा है, बन रहा है, इट्स कुकिंग। तो हम लोग बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। आज इसकी कुछ नहीं, मेरे को बन हो रहा था खाने, मैंने उसमें मैं चला तो मैं उसको आज डेट पे लेके आई हूँ। कुछ नहीं है, मेरा मन हो गया। ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये हम लोग का फेवरेट रेस्टोरेंट है क्योंकि बचपन से हम लोग ये रेस्टोरेंट में बहुत बार आए हैं, डैडी मम्मी हम लोग सब लोग बहुत बार, डैडी हम लोग को इधर लेके आता था बचपन में और यू नो इतना टेस्टी फूड मिलता था ना इधर, इतना टेस्टी फूड। तो कभी आई है क्या? मैं भी बचपन से आती हूँ ये और एक फैन हूँ, हम लोग का हर पार्टी में हम लोग इधर ही आते हैं। डैडी जब भी हमको फिश खाना हो, जब भी हमको चिकन और यहाँ पे ना हम लोग को सब पहचानते हैं क्योंकि बचपन से ना हम लोग इधर ही आते हैं, ओनर भी जानते हैं, वेटर्स भी जानते हैं और वेटर तो हम लोग को अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम लोग जब छोटे थे ना तभी से वो इधर ही है और इधर ही काम कर रहे हैं। हम बड़े हो गए, हमारी शादी हो गई, फिर भी हम यही आ रहे थे क्योंकि यहाँ का टेस्ट है ना किधर और जगह पर मिलेगा भी नहीं, अभी भी सेम है, सेम टेस्ट, वही टेस्ट मिलता है। तो उन्होंने उनका एक्सक्लूसिविटी मेंटेन, आप लोग भी आना है इधर, हमारा खाना कब आएगा, कैलेंडर खाना दो, कैलेंडर खाना दो। तो यहाँ पे स्पेशल मेन्यू है, यहाँ पे बहुत वैरायटी मिल रही है, यहाँ पे सी फूड्स है, ये साइड पे बस सी फूड्स है और ये साइड पे सब चिकन है और यहाँ पे नीर डोसा चिकन भी मिलता है और यहाँ पे कन्नड़ा में लिखा है और मेरे को कन्नड़ा पढ़ने को नहीं आता है, बहुत वैरायटीज है इधर। और यहाँ पे हमारा चिकन तंदूरी भी आ चुका है, हाँ आएगा आएगा आएगा, आ रहा लेके आ रहा। तो यहाँ पे चिकन तंदूरी है, बहुत जूसी लग रहा है, मस्त गरम गरम और ये चटनी। तो अभी हम लोग थाली का वेट कर रहे हैं, सुरमई थाली का। हमारा फाइनली ऑर्डर आ चुका है और यहाँ पे है सुरमई थाली, वाव मस्त, क्या सुरमई थाली है, ये सुरमई है, ये करी है, सोन कड़ी है, भाजी है, रोटी है, चिकन है और ये है रसा और ये है और हम अभी खाएंगे साथ में। और हमारा उकड़ा चावल आने वाला है, ब्राउन राइस अभी लेके आ रहे हैं, मैंगलोरियन राइस इज बेस्ट। यहाँ पे हमारा ब्राउन राइस आ गया है तो ये देखिए गाइस, तो ये है उकड़ा चावल। तो हम लोग अभी खाना खा रहे हैं गाइस, पहले तो चिकन खाएंगे, तो यहाँ पे चटनी भी है, मस्त है यार। गाइस चिकन है ना एक नंबर, मस्त फ्राई, मस्त मैरिनेट हुआ है और ऊपर ना चाट मसाला डाला है, अच्छे से कुक हुआ है, यम है।
खा के देखना फिश खा रहा हूँ यहाँ मैं फ्रेश है ना फ्रेश है गाइस फ्रेश एक्चुअली मेरा कॉम्बिनेशन क्या मन है मैं ना रोटी के साथ तंदूरी चिकन खाने वाला हूँ ये मेरा कॉम्बिनेशन है क्योंकि मैं डिनर रात को ना बहुत कम खाता हूँ जैसे नहीं खाता हूँ दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन मेरा ये यहाँ पे ब्राउन राइस खाएगी और सुरमई के साथ तो मैं अभी रोटी और तंदूरी चिकन मैंने ना अभी फिश खाया बहुत क्रिस्पी है बहुत यम्मी है अच्छे से कुक हुआ अच्छे से फ्राई हुआ है कट मस्त है चिकन मस्त है चटनी चटनी इनका ना ग्रेवी है ना डिफरेंट एज कम्पेयर टू अलग अच्छा सुन कर लेंगे लेंगे लास्ट में ना और एक बार और एक ग्लास में हम ग्लास भर के लेंगे इससे क्या होता है ये इससे ना डाइजेस्ट हो जाता है अच्छा लगता है और उसमें कोकोनट मिल्क और एक्चुअली ना कोकम है कोकम रहता ना कोकम से बनाया जाता है उसको है ना कोकम को कोकम को है ना पानी में भिगो के रखते हैं आई थिंक गर्म पानी में भिगो के रखते हैं और उसके बाद उसको अच्छे से वो सॉफ्ट हो जाता है उसके बाद उसका रस आने लगता और यहाँ पे वो उखड़ा चावल खा रही है जिसके लिए मैं यहाँ आती हूँ आती हूँ उसके लिए राइस एंड ग्रेवी ये पड़वल का भाजी जो सुभदा ने मेरे को दिया है तो अभी ये सुभदा ने नहीं खाया ये मेरे को दिया है उसने कोई बात नहीं गाइस ये एक्चुअली ना मेरे को चाहिए क्योंकि मेरे को फाइबर का जरूरी है यहाँ पे सब मिक्स है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर सब मिक्स ऑल इन वन तो यहाँ पे हमने अभी सोनकड़ी मंगाया है तो यहाँ पे खाने के बाद हम ये पीते हैं और ये एपेटाइजर है बहुत मस्त रहते हैं तो हम लोग अभी सिप मारते हैं चीयर्स यप मस्त है मस्त खट्टा है टैंगी है और थोड़ा स्पाइसी भी है बहुत मस्त है और अच्छा फ्लेवर आ रहा है मस्त ठंडा भी है और रिफ्रेशिंग लग रहा है तो एज यूजुअल मेरा ख़त्म हो गया है और इसमें छोड़ दिया है अभी मैं पीऊँगा वेस्ट नहीं करना चाहिए ये एक्चुअली थोड़ा चिल्ड है जो थाली में थोड़ा सा थाली वाला मैंने अभी तो आज का पार्टी शुभदा की तरफ से आज क्या स्पेशल था तुमने मेरे पार्टी दिया था तो हमारा खाना पीना हो चुका है बहुत मस्त था बहुत यम्मी था एक किधर का ही पता नहीं फुल हो गया पेट अभी ऐसा लगता है कि अभी वॉक करना पड़ेगा और आ गई है पीछे पेट फुल हो गया यार और कैसे लगा मेरा पार्टी बहुत मस्त था बहुत अच्छा लगा पेट फुल हो गया एक्चुअली मेरे को ही मन हो रहा था मुझे खाने का मन तो मेरा पार्टी हो जाता अभी घर पे जो खाना बना है ना अभी वो कल खाना पड़ेगा क्योंकि
क्योंकि आज का ये जो डिनर था ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था। हम लोग काम से आए थे, थोड़ा काम था वो करके सोचा कि चलो अभी यहाँ इतने पास आ गए, यहाँ से गुजरेंगे तो खुशी खुशी याद आ रहा था मुझे। मेरा तो था कि खा ही लेते यार, इतने पास आ गए तो वाई नॉट। जिसको मैंने बोला कि चल आज देखो मैं डिनर डेट पे लेके जाती हूँ, मेरी पार्टी है डिनर डेट, तो कन्विंस हो गया क्योंकि उसको गाना बेच किया था पसंद नहीं, जो कि अच्छी बात है, विच इज़ अ गुड क्वालिटी। ओके, हम लोग अभी घर जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग अभी घर पहुँच रहे हैं, अभी जस्ट लिफ्ट में है और बहुत अच्छा लगा आज डेट विद माय वाइफ। आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत थक भी गए और खाना तो बहुत लाजवाब था, यम्मी था, दिल खुश हो गया खाना खाकर और पेट भी बहुत फुल हो गया था। पेट इतना फुल हो गया हमारा समझ में नहीं आ रहा जाना अंदर जाते हैं। मेरा बाल का हालत क्या हो गया समझ में, एक्चुअली में हेलमेट पहनता है ना इसके लिए थक गए, बहुत ज्यादा थक गए, पेट पूजा हो गई है, मजा आ गया। अभी अच्छा नींद आएगा, मस्त सोएंगे अभी हम लोग, क्योंकि अच्छा खाना खाने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है, एकदम हैप्पी 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 स्लीप आती है, मजा आ जाता है। ओके गाइस, अभी मैं वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। गुड नाइट, बाय।